देख लिए आपने अपनी बहुरानी के तेवर? मैं तो शुरू से ही कहती थी लड़की है बहुत तेज। लक्ष्मी तुम भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई, अभी 8 घंटे भी हुए नहीं बेचारी को आए हुए और तुमने कहानी शुरू कर दी। देखो जी औरतों के तेवर हम औरतें ही पहचानती हैं। और प्रांजल कोई पहली बहू तो है नहीं जो इस घर में आई है। सुषमा को देखा है आपने? कभी उसने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और ये सबके सामने पैर पटक कर चली गई। अच्छा बाबा चली गई, अब तुम तो पैर पटकना बंद करो, बैठो बैठो। तो सुनो प्रांजल अच्छी लड़की है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। आप तो अपना बिजनेस और अपना हिसाब किताब ही जानते हो, आपको क्या पता प्रांजल की ये हरकत ना भाभी माँ और ना दीदी को पसंद आई होगी। प्रांजल को सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे अभी तक तुम उसी बात में अटकी हुई हो, अरे बच्ची ही तो है, इतना लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी बेचारी। तुमने देखा नहीं अमित से मिलकर सुरेंद्र कितना खुश था? मैं सुरेंद्र की नहीं प्रांजल की बात कर रही हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने कहा ना प्रांजल कल सबसे बात करेगी, इस वक्त उन दोनों को आराम करने दो और तुम भी ये बेकार का सोच विचार अपने मन से निकाल दो और आराम करो, ठीक है? भाभी माँ क्या बात है? भाभी माँ हमें आपसे कुछ बात करनी है। प्रांजल के बारे में? राधिका लक्ष्मी, अरे ये बच्चियां क्या है, ये तो कच्ची मिट्टी की तरह होती हैं, इन्हें हम जैसा ढालेंगे वैसे ही ढल जाएंगी। मैं मानती हूं प्रांजल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों जरा अपने आप को उसकी जगह रखकर देखो, वो जवान है, अभी अभी स्विट्जरलैंड से थकी हारी आई है, ऐसे कुछ मुंह से निकल गया होगा। लेकिन भाभी माँ उसने सबके सामने ऐसा कह दिया, मुझे तो बड़ी शर्म आई कि। क्या तुम्हें शर्म आ गई? वो सिर्फ तुम्हारी बहू नहीं है राधिका, हमारी बहू है, इस घर की बहू है, और फिर वो बच्ची है। क्या तुम दोनों वो दिन भूल गए? हम तीनों में कभी अनबन नहीं हुई थी क्या? हमारी हर बात एक दूसरे को हमेशा तो अच्छी नहीं लगी ना, लेकिन धीरे धीरे हम इस घर के सांचे में ढल ही गए ना। सुषमा भी तो ढल गई, वैसे वो भी ढल जाएगी। अगर नादानी में उसने ऐसी वैसी कोई बात कह भी दी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बड़े बनकर उसे माफ कर दे, तभी तो उसे लगेगा ना कि हम उसके अपने हैं, कोई गैर नहीं है। आप ठीक कहती हैं भाभी माँ, चलिए।